हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने एग्जांपल 1.5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास 9 फिजिक्स केपी के बोर्ड के। तो अब एग्जांपल 1.6 सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं अ लीटर इज़ अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, इधर बाय 10 सेंटीमीटर मैं लिखना भूल गया हूँ। इफ़ यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन क्यूबिक मीटर्स वुड इट ऑक्यूपाई इन योर स्टमक। अच्छा देखिए, हमें पता है कि वॉल्यूम आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या है? ठीक है, एल क्यूब के बराबर होता है। अगर एक क्यूब है, आप उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं जिसका एक साइड एल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है जी, क्यूब है, सारे साइड्स इक्वल है। अगर नहीं इक्वल, देन यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो वो आपके पास एल क्यूब आता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यानी कि इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इधर एल गिवन है कि क्या है जी, 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? एक साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 कभी क्यूब ले ले तो ये 10³ आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने पार्ट ए जो है उसको सॉल्व कर लिया। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वो आपका क्या आ गया? 10³ सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पार्ट बी में वो कहता है कि इसको क्यूबिक मीटर्स में फाइंड करो। ये जो वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया है क्यूबिक मीटर्स में फाइंड करो। वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, 10³ सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूबिक मीटर में फाइंड करो। देखिए, अब हमें पता है कि जो आपके पास एक सेंटीमीटर एक मीटर होता है उसमें तो आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर फाइंड करना चाहूँ तो 1 सेंटीमीटर में आपके पास 1/100 मीटर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10⁻²⁻ होते हैं। ठीक है, इधर जो सेंटीमीटर है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस सेंटीमीटर की जगह मैं 10⁻²⁻ पुट कर लूँगा। तो ये आपका वॉल्यूम 10⁻³। ठीक है जी, और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर की जगह 10⁻²⁻ हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें, अब अगेन आपके पास पावर में माइनस आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास इस तरह मल्टीप्लिकेशन का सिनारियो आ जाता है, बेसिस सेम होते हैं, तो पावर को आप ऐड कर लेते हैं, -2 -3 -5 आ जाता है। लेकिन जब आपके पास ये वाला सिनारियो आ जाता है, ठीक है, पावर का भी पावर है, तो फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपके पास 10⁻⁶ आएगा। इसी तरह ये देखिए, ये -2 है, इधर क्यूब है, तो इधर आपके पास 10⁻⁶ मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें अगेन, दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों को ऐड कर लें। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये +3 है, वो -6 है, 3 - 6 - 3 आता है, तो ये आपके पास 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन ये आपने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। अच्छा, उसके बाद है इस असाइनमेंट 1.7। वो कहता है अ बीकर कंटेंस 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। ठीक है जी, अच्छा पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मिलीलीटर कितना होता है। मिलीलीटर जो है वो 1/1000 पार्ट ऑफ मीटर ऑफ लीटर होता है। ठीक है जी, मैं कह सकता हूँ कि 1 लीटर में आपके पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है जी, मिली का मतलब है 10⁻³। ठीक है जी, तो 1 लीटर में आपके पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 1 लीटर में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये है कि आपके पास बेसिकली मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब आपस में इक्वल है। ठीक है, इसको आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 1/3, साथ में 30 है तो 10⁻³, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब है बेसिकली आपस में बराबर है,
तो 200 मिलीलीटर बेसिकली इक्वल है 200 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है जी। क्योंकि देखिए एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और एक लीटर में 1000 सीएम क्यूब होते हैं, तो मिलीलीटर और सीएम क्यूब आपस में बराबर है। तो ये तो इसका हो गया जी पार्ट वन, सीएम क्यूब में हमने लिख लिया। अब अगेन मीटर क्यूब में जाना है तो वही आपने काम करना है, ठीक है। इधर जो हमने काम किया है एग्जैक्टली वही काम करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, ठीक है। तो अगेन मैं लिख लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर की जगह आप ये 10^-2 मीटर फुट करें, तो ये 200 मल्टीप्लाई 10^-2 मीटर का क्यूब ले लें। अगेन 10^-2 मीटर है, अच्छा इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। जो राइट साइड पे मैं जो भी लिखता हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। अच्छा अब अगेन -2 × 3, ये आपके पास -6 और मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2.0 × 10^-4 मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो जो वॉल्यूम है वो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम था, मिलीलीटर और जो आपका सेंटीमीटर क्यूब है वो इक्वल थे, और ये आपका जी मीटर क्यूब में इस बीकर का वॉल्यूम हो गया। थैंक यू।